जैसे आपको पता चल गया कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब इंसिडेंट होने के बाद में सेंट बैक इनटू द स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो वो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा आपको ये पता चल पाया है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रेगुलर रिफ्लेक्शंस, तो रेगुलर रिफ्लेक्शंस की आप देख सकते हैं कि नोट्स में दे आर द टू कंडीशंस। फर्स्ट वन इज ऑब्स्टिकल शुड बी स्मूथ एंड शाइनिंग, एंड सेकेंड वन इज साइज ऑफ ऑब्स्टिकल शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, नहीं, शुड बी नियरली ग्रेटर देन इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इतना आपको बताया जा चुका है। फिर ये भी पता चल चुका है कि हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर बनाएंगे कैसे। चलो तो एक बार यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर बनाना है तो कैसे फ्रेम करेंगे। तो पहले आप स्फेयर बना लेंगे बाय यूजिंग द ज्योमेट्री बॉक्स, ये स्फेयर बन गया। जैसे आप स्फेयर बनाओगे तो सेंटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये सेंटर है सी। अब जिस हिस्से को, जिस पार्ट को मिरर बनाना है तो शुड बी डार्क, शुड बी हाईलाइटेड, तो हमारा इतना पोर्शन जो है मिरर बनने वाला है, तो बाकी जो रेस्ट पार्ट है उसको रफ कर दीजिए। एंड आफ्टर दैट इफ यू डिसाइड कि सिल्वरिंग शुड बी इनसाइड, तो ये हमने कौन सा मिरर बना दिया, कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। मिरर की सरफेस पर जो मिडिल पॉइंट होता है दैट इज पोल, तो ये पोल हो गया, और फिर दोनों को मिलाया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, अलग बात है कि रिलेटेड टू दिस एग्जाम में डायरेक्टली कुछ नहीं आना है, बट एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू दिस, इस चैप्टर में सब कुछ इसी से रिलेट करेगा, तो इनमें गलती नहीं करना। आप कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, एक बार कॉनकेव भी बना लिया जाए। अगेन मेक द स्फेयर बाय यूजिंग द ज्योमेट्री बॉक्स, देन यू हैव ए सेंटर एंड हाईलाइट द मिरर पार्ट, तो वंस अगेन ये वाला पार्ट हमको हाईलाइट रखना है, तो जो रिमेनिंग है उसको हटा दीजिए। इससे परफेक्शन होता है डायग्राम में। मिडिल पॉइंट अगर हमने आउटसाइड पॉलिश किया है तो ये मिरर बन चुका है कॉनकेव, बिकॉज दीज आर द पार्ट्स फ्रॉम द स्फेयर, सो कॉमनली कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, एंड दिस वन इज पोल ज्वाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यू हैव प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये सारा काम हम करा चुके हैं, तो जैसे ही आपको स्फेरिकल मिरर बनाना हो, चाहे कॉन्वेक्स फैमिली का या फिर कॉनकेव फैमिली का, आपको इसी तरीके से चलना है। अब ये जो सेंटर स्फेयर का होता था, दिस विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर, इसी सेंटर को क्या कहेंगे, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड यू ऑल नो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट स्फेयर हो तो उसको क्या कहते हैं, रेडियस। ये पूरा जब स्फेयर था तो इस आर को क्या कहेंगे, रेडियस, लेकिन मिरर के केस में इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहां पर कंप्लीट स्फेयर नहीं है। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबिट में लाइए। जब कंप्लीट स्फेयर है तो आर फॉर क्या है, रेडियस, लेकिन जब यही रेडियस मिरर के उस स्फेयर के किसी पार्ट के साथ है, किसी हिस्से के साथ है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब जो रिफ्लेक्शन की फिनोमेना है, जो रिफ्लेक्शन आपका आपका मैजिकल ऑप्टिकल फिनोमेना है लाइट की, आपको वो यहां पर प्रैक्टिकली तो करना नहीं है, यहां तो हमें बोर्ड पर करना है, और आपको किसमें करना है, कॉपी में। तो आप इसका क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, तो इसको ज्योमेट्रिकल वर्क ऑफ रिफ्लेक्शन कहा करेंगे, और इसको कैसे बनाना होता है तो उसके लिए मूव करते हैं। हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ज्योमेट्री मतलब डायग्राम बनाना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन।
और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए वो हमें फर्मेट ने सिखाया था कि हमें रिफ्लेक्शन का जब डायग्राम बनाना हो, पिक्चर बनाना हो, तो हमें कैसे उसको बनाना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। आफ्टर मिरर फॉर्मेशन, मिरर बनाने के बाद, आफ्टर मिरर फॉर्मेशन वी यूज एरो, ARROW, वी यूज एरो साइन फॉर इंसिडेंट लाइट, वी यूज एरो साइन फॉर इंसिडेंट लाइट, वी यूज एरो साइन फॉर इंसिडेंट लाइट, वी यूज एरो फॉर इंसिडेंट लाइट। सेकेंड नंबर पॉइंट, नाउ फॉर्म, FORM, फॉर्म नॉर्मल। अब हमें नॉर्मल बनाना होगा, नाउ फॉर्म नॉर्मल, नॉर्मल बनाएंगे अब इसके बाद हम। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 3, यूज एरो साइन फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, यूज एरो साइन फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, यूज एरो साइन फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, यूज एरो साइन फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देखिए, आप रिफ्लेक्शन की पिक्चर बनानी है, ज्योमेट्री बनानी है, तो पहला पॉइंट कहता है कि सबसे पहले मिरर का फॉर्मेशन कर लो। तो यहां हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन है और यहां हमारे पास में कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन है। फिर कह रहे हैं कि एरो साइन यूज करिए इंसिडेंट लाइट के लिए, तो लाइट आकर के मिरर पर गिरेगी एंड यू ऑल नो कि कहां गिरेगी, किस सरफेस पर गिरेगी, जहां पर पॉलिश किया गया है उस पर गिरेगी या फिर अपोजिट टू इट? नहीं, क्योंकि जहां पर पॉलिश किया गया है उसके उल्टी वाली साइड, अपोजिट वाली साइड क्या बनती है, रिफ्लेक्टर। लास्ट क्लास में बताया था ना, जिस जिधर आपने पॉलिश किया उसके अदर साइड वाली रिफ्लेक्टर। देखो यहां पे लाइट आ रही है और मिरर के ऊपर गिर गई, देखिए। तो इसके लिए हम एक एरो साइन बनाएंगे, ये लीजिए एरो साइन बना लिया, और ये एरो साइन ये बताने की कोशिश कर रहा है लाइट मिरर पर गिर चुकी है, और इस एरो को हम कहेंगे इंसिडेंट लाइट रे, ILR, इंसिडेंट लाइट रे। अब इसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट कह रहा है नॉर्मल बनाइए। तो अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये बड़ा क्वेश्चन हो, नॉर्मल कैसे बनता है भाई, नॉर्मल कैसे बनता है, नॉर्मल एक लाइन होती है, ये कैसे बनता है? नॉर्मल इज लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। कोई भी सरफेस होगी ना, ये हमेशा उस सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर होगा, ये है नॉर्मल। जैसे देखिए, ये हमारा व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है और मार्कर हो गया नॉर्मल, क्योंकि इन मार्कर बोर्ड के साथ में कैसा बना रहा है, 90। तो किसी भी सरफेस के साथ में 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है लाइन, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। लेकिन कर्व सरफेस में जो नॉर्मल होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कर्व सरफेस का नॉर्मल, अगर आपके पास में प्लेन सरफेस है, ये देखिए, ये हमारे पास में प्लेन सरफेस है, तो आसान है नॉर्मल बनाना, कोई भी इस काम को कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसने लाइन बना दिया, ये देखिए हो गया नॉर्मल। लेकिन कर्व सरफेस में नॉर्मल बनाने में गलती हो जाती है। कर्व सरफेस का जो नॉर्मल है ना, वो 90 डिग्री के साथ साथ दो चीजें और करता है। तो ये देखिए, फॉर कर्व सरफेस
जो कर्व सरफेसेस होती हैं, फॉर कर्व सरफेसेस जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये तो होगा ही होगा, प्लस प्लस, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप गलत करोगे तो फिर जिस ब्रांच को आपने टच किया है उसका नाम है रे ऑप्टिक्स, उसको अदर नेम उसका है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री का मतलब डायग्राम बनाना, तो वो गलत नहीं कर सकते आप, और ये बेसिक्स है। कर्व सरफेस का नॉर्मल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर तो होता है, प्लस पासिंग थ्रू इंसिडेंट पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लीजिए। तो ये इंसिडेंट पॉइंट है हमारा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इंसिडेंट पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए, हो गया नॉर्मल। और अगर आप कहोगे सर 90 डिग्री वाली बात, अगर ये काम कर रहे हो तो 90 डिग्री वाली बात अपने आप मेंटेन हो जाती है। यानी कर्व सरफेस में जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंसिडेंट पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो क्या बन जाती है? नॉर्मल। ऑटोमेटिकली वो सरफेस के साथ कैसी होती है? 90 डिग्री। क्लियर? अच्छा, नॉर्मल में भी हम लोग एरो लगाते हैं जनरली, तो नॉर्मल में एरो किधर लगाते हैं? जिधर आप होते हैं। अब मिरर में पीछे तो आप होंगे नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं है उसका कुछ, तो मिरर में आप फ्रंट में खड़े होंगे, इसलिए एरो साइन लगा दिया ये। तो नॉर्मल बनाना है तो बहुत आसान, लेकिन पता होगा तो विल बी सिंपल, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो टिपिकल हो जाएगा। नॉर्मल बना लिया। जो प्लेन सरफेसेस होती हैं उनका नॉर्मल बहुत आसान होता है, हर कोई 90 डिग्री की लाइन बनाता है, काम खत्म। लेकिन कर्व सरफेस का नॉर्मल 90 डिग्री के साथ साथ ये काम भी करता है, इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है? पास होता है। तो आप क्या किया करोगे, इंसिडेंट पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो, ऑटोमेटिकली वो 90 डिग्री हो जाएगा। और मिरर के केस में आप मिरर के पीछे तो नहीं होगे, ऑब्जर्वर अगर हो तो मिरर के पीछे तो नहीं होगे, सामने ही होगे, तो एरो हमेशा आपकी तरफ होता है नॉर्मल का। अब देखिए, ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में ये एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं आई, आई फॉर इंसिडेंट एंगल। तो पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। पहला पॉइंट था कि आप मिरर बनाने के बाद में एरो की हेल्प से इंसिडेंट लाइट को दिखा दीजिए, गिरने वाली लाइट को दिखा दीजिए। सेकेंड नंबर पॉइंट था नॉर्मल बना लीजिए, बना लिया। और तीसरा पॉइंट है कि अब आपको रिफ्लेक्टेड लाइट दिखानी है एरो की हेल्प से, तो टकरा करके लौटेगी भाई, बोलो। ये देखिए लौट रही है टकरा करके, और इसका नाम है RLR, फुल फॉर्म रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और ये जो लौटने वाली लाइट है वो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो रिफ्लेक्शन एंगल बन जाता है। तो व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम फॉर द रिफ्लेक्शन, तो आपकी मुलाकात कुछ नए लोगों से हो जाएगी, जैसे आपकी मुलाकात आई फॉर इंसिडेंट एंगल से हो जाएगी, आर फॉर रिफ्लेक्शन एंगल से हो जाएगी। वहां पर आपको एरो के फॉर्म में ILR मिलेगा, इंसिडेंट लाइट रे, वहां पर आपको RLR मिलेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट लाइट होगी और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। फर्मेट ने ये बताया था कि I और R हमेशा क्या होता है? बराबर होते हैं। तो मैंने अपने इस डायग्राम में ये दिखाने की कोशिश की है कि आपको वहां से देख करके ये पता चले कि आई और आर क्या है, बराबर है। अब अगर डायग्राम हमें इस पर बनाना है, तो वंस अगेन मिरर बन चुका है, बन चुका है। सबसे पहले लाइट को इंसिडेंट कराइए, और इंसिडेंट के लिए हम
जिधर पॉलिश की गई है उसके अपोजिट साइड वाली सरफेस को यूज करेंगे। तो लीजिए लाइट अगर के इंसिडेंट हो गई। सेकेंड नंबर पे पॉइंट है नॉर्मल बनाइए, ऑर्डर मत गड़बड़ करिएगा, पहले जो है उसको पहले करिए, जो सेकेंड नंबर पर है उसको सेकेंड नंबर पर करिए। तो अब हमें नॉर्मल बनाना है, अभी अभी अपडेट हो चुका है कर्व सरफेस का नॉर्मल कैसे बनता है। तो ये रहा इंसिडेंट वाला पॉइंट और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को डॉटेड तरीके से डॉटेड लाइन से ज्वाइन करिए। तो लीजिए ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल में भी एरो का साइन लगाया जाता है, तो जिधर ऑब्जर्वर होगा नॉर्मल उधर ही लगेगा। ये रहा नॉर्मल, ये रहा आई। नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट लाइट ने जो भी एंगल बनाया है वो इंसिडेंट एंगल है। अब लौटने वाली लाइट नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट होता है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड होता है। तो देखिए भैया गलती कर दी मैंने, ये लीजिए, क्या तुमको ये फील आ रहा है कि रिफ्लेक्शन एंगल और आई बराबर है? तो आपको एक्चुअल जो है कोई ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स नहीं मिलेंगे, आपको आइडिया से ही डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि एक्चुअली आप टूल्स यूज करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो अपने आप पता चल गया ये गलत है, थोड़ा इरेज किया इसको और फिर अप्रोच फॉलो करते हुए ये रहा आपका रिफ्लेक्शन एंगल और ये रही रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, तो रफ वर्क में आपको जो है इस तरीके से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इंसिडेंट लाइट को लाना है, रिफ्लेक्टेड लाइट को ले जाना है, कैसे दिखाना है। अभी हम इसको कॉपी नहीं करने देंगे, डायग्राम कॉपी नहीं करने देंगे, ये सारी चीजें कॉपी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो खुद ये बनाइए अप्रोच की क्या डायग्राम बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीजें जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिए। ऑल द रिटन वर्क हियर नॉट द डायग्राम। नेक्स्ट में क्या है देखें भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखिए, व्हेन वी राइट हियर रिफ्लेक्शन देन मीन्स टॉकिंग अबाउट द रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमें नहीं पढ़ना होता है, बिकॉज इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसके पार्ट में आ जाता है, स्कैटरिंग के पार्ट में, तो स्कैटरिंग में पढ़ा जाता है। हम हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लॉज क्या है ध्यान देना भाई, जो कह रहा हूं अगर वो एक्सेप्ट करते जाना तो ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। एक RW है यानी रफ वर्क है आपके लिए, हाँ ना में आंसर दीजिए कि रिफ्लेक्शन के ज्योमेट्रिकल डायग्राम में थ्री स्पेसिफिक डायरेक्शन है एक्सेप्टेड। जब आप रिफ्लेक्शन का डायग्राम बना रहे हो, क्योंकि हम यहां डायग्राम की ही बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करने वाले केस में आप प्रैक्टिकली भी ये चीजें जज करोगे, तो मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन के डायग्राम में तीन स्पेसिफिक डायरेक्शन है। कौन कौन सी? पहला है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिसाइड करिए इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आंसर है वो नॉर्मल के साथ में आई एंगल बनाएगी, तो हमारा आई एंगल कैसा होगा, फिक्स होगा यार अकॉर्डिंगली टू मी कि आई कितना रखना है। तो वी विल डिसाइड कि हम 30 डिग्री रखेंगे, तो फिर सब लोग क्या रखेंगे 30, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो किस एंगल पे लाइट को लाना है ये हम फैसला ले चुके होंगे जब हम रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल करेंगे या फिर डायग्राम बनाएंगे, एक्सेप्टेड। दूसरा जो है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, आपकी तरफ होती है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, आपकी तरफ होती है, जिस तरफ आप रहते हो उस तरफ होती है।
तो नॉर्मल की डायरेक्शन भी फिक्स होती है, ऐसा नहीं कर सकते कि इधर भी कर लो उधर भी कर लो, ऐसा नहीं होगा। और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जब रिफ्लेक्टेड लाइट होती है तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में लौटती है। तो तीन स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अब 11th में हमने सीखा कि जहां डायरेक्शन होती है वहां क्या होता है, यूनिट वेक्टर। जहां डायरेक्शन होगी वहां पर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर होगा, तो हमने कहा कि वो है ई कैप आई, यानी ये यूनिट वेक्टर है अलोंग आई एल आर। फुल फॉर्म पता ही है आपको आई एल आर का, क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। नॉर्मल की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल वाली डायरेक्शन। और ई कैप आर ये है यूनिट वेक्टर अलोंग आर एल आर, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे रिफ्लेक्शन का या फिर ज्योमेट्रिकल वर्क करोगे रिफ्लेक्शन का, देन यू हैव ए थ्री स्पेसिफिक डायरेक्शन, एंड वेयर द स्पेसिफिक डायरेक्शन देयर इज यूनिट वेक्टर्स। अब जैसे एक्सपर्ट्स ने एक्स एक्सिस के लिए आई कैप रखा था और वाई एक्सिस के लिए जे कैप रखा था जेड एक्सिस के लिए, इसी तरीके से इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो ये है, नॉर्मल का ये है और लौटने वाले का ये है। तो इन तीनों के बीच में, सॉरी हाँ, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। मैं वहां पर, यहां पर रिलेशन लिखता हूं, ई कैप आर, ई कैप आर इज इक्वल टू ई कैप आई, ई कैप आई माइनस टू एन कैप इन ब्रैकेट ई कैप आई डॉट एन कैप। अब ये रिलेशन कैसे आया है, तो कैसे आया है ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्या आया है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डिनरी वे में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको ऐसे पढ़ा जाता है, लॉ नंबर वन, इंसिडेंट लाइट डायग्राम में दिखेगी, प्रैक्टिकल में आपको नजर आएगी। एक्चुअली लाइट नहीं दिखती है, लाइट की प्रेजेंस में क्या दिखते हैं, ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट मीट एट कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट। तो अभी आपने डायग्राम देखा था, तो इंसिडेंट वाली लाइट और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट तीनों एक ही जगह पर मिले थे कि नहीं मिले थे, तो लॉ नंबर वन ये है। और लॉ नंबर टू क्या है, लॉ नंबर टू है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। आई इज इक्वल टू आर। तो जो मैंने बाद में लिखा है ये फॉर योर बोर्ड एग्जाम है, और जो मैंने ऊपर लिखा है ये फॉर योर कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है ना। आपकी क्लास वैसे भी हम किस बेस पे चल लेके चल रहे हैं, फाउंडेशन। तो वो सब कुछ जो आपके अपने बोर्ड एग्जाम में आएगा वो तो बताना ही बताना है, और मैक्सिमम चीजें वही हैं जो बोर्ड एग्जाम वाली हैं।
20 से 25% एक्स्ट्रा होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड के पेपर में वो नहीं आएगा। गो फॉर दिस और मेंशन कर देना। जब आप लिख लोगे तो मैं बता दूंगा कैसे आपको मेंशन करना है। यहां पर लिख सकते हैं नॉट फॉर बोर्ड, ये टिक लगाया और एक टिक ये लगाया, और यहां पर फॉर बोर्ड, ये आपके अपने लिए, क्योंकि पहले आप बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देयर आर द टू रूल्स। वेक्टर फॉर्म को भी आप जान लीजिए, बड़े काम का रिजल्ट है ये, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का ये वेक्टर फॉर्म सॉल्यूशन देगा। ये लॉ नंबर वन और लॉ नंबर टू आपके सीक्वेंस है, आपने पहले इसको लिख दिया तो ये वन बन जाएगा, वो टू बन जाएगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन वाला है वो वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। फॉर्मेट ने आपको जो है इस लॉ को ज्योमेट्रिकली प्रूफ करके दिखाया था, तो वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी, प्रूफ नहीं करना है इसको, बट जानना है। आई और आर रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा इक्वल होते हैं, और वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप जानिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ही एक चमत्कार है, वो आपको बताएं क्या। इसके पहले हम डायग्राम बनाएं तो एक अपडेट आपको और दे दें। फॉर इंसीडेंट लाइट रेज, फॉर इंसीडेंट लाइट रेज, इफ इंसीडेंट एंगल लेस देन आर इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो ऐसी इंसीडेंट लाइट रेज को हम कहते हैं पैराएक्सियल, पैराएक्सियल इंसीडेंट लाइट रेज। अगर किसी लाइट रे का इंसीडेंट एंगल 10 डिग्री से कम या उसके इक्वल है, तो फिर हम इस तरीके का जो बंच ऑफ लाइट रेज होता है उसको कहते हैं पैराएक्सियल। आप उस बंच में किसी एक को ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। भाई 4 डिग्री पर इंसिडेंट लाइट अगर होगी तो पैराएक्सियल बन जाएगी, 3 डिग्री पर होगी तो पैराएक्सियल बन जाएगी, तो बहुत सारी लाइट रेज बन सकती है ना पैराएक्सियल में। और अगर इंसिडेंट एंगल टेन डिग्री से ज्यादा हुआ, तो ऐसी लाइट रेज का जो बंच है कॉल्ड मार्जिनल लाइट रेज, मार्जिनल लाइट रेज, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट से ये दोनों तरीके की लाइट रेज आती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो ये हमारे पास में कॉनकेव मिरर, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इरेजर है, ये इरेजर है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज चलती हैं तो कोन बनाते हुए चलते हैं। केवल जो ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पर है वहां से जो लाइट रेज चलती हैं वो पैरेलल चलती हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी लाइट रेज जो हैं जा रही हैं, तो क्या लगता है जब ये मिरर पर गिरेंगी तो सभी का इंसिडेंट एंगल एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो कुछ लोगों का 10 डिग्री के इक्वल या उससे कम होगा, और कुछ लोगों का 10 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी कि मार्जिनल भी होंगी और पैराएक्सियल भी होंगी, ठीक है। केवल जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो अनंत पर ऑब्जेक्ट है, उनसे जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल आती है। अदरवाइज किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हमेशा कैसे चलता है? कोनिकल बंच चलता है, चाहे वो आप हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। ये बात
जो आपकी आंखें हैं वो केवल अपने अंदर पैराक्सियल को जाने देते हैं, ये आपकी आंखें हैं, आईज हैं ये आपकी, ह्यूमन आई हो गई है, और ये रेटिना हो गया इसका, ये आईज हैं आपकी। तो ह्यूमन आईज, या इसको मैं, चलिए ठीक है, ह्यूमन आईज रिसीव ओनली पैरा एक्सियल लाइट रेज। फॉर इमेज फॉर्मेशन, फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो आपकी जो आंखें हैं वो केवल पैराक्सियल लाइट रेज को अपने अंदर जाने देती हैं, और रेटिना पर उसी पैराक्सियल से क्या बनती है, इमेज। जैसे जैसे हम रे ऑप्टिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते हुए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में पहुंचेंगे, तो आपको ये बात बताई जाएगी और साथ ही साथ एक्सप्लेन थोड़ा सा और अच्छे से होगा कि आपकी आंखों का साइज कैसा है, छोटा, और छोटे साइज होने की वजह से केवल पैराक्सियल अंदर जा पाती हैं, मार्जिनल अंदर नहीं जा पाती, ठीक है। तो ये भी अपडेट ले लो भाई, नोट ऑफ इट। तो पैराक्सियल और मार्जिनल सभी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं, लेकिन आपकी आंखें केवल किसको रिसीव करती हैं, पैराक्सियल। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी तो कोन फॉर्म में चलेगी, केवल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे लाइट जब आती है तो वो पैरेलल है। 11th क्लास में आपने पैरलाक्स मेथड पढ़ा है इसी पॉइंट के ऊपर, कि हमें कैसे पता चल गया कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर पैरेलल, फ्रॉम द स्टार आर पैरेलल। हमारी जो ऑप्टिक्स होगी वो इसके लिए होगी, पैराक्सियल के लिए, ठीक है ना। तो बात आपसे ये कर रहे थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का चमत्कार ये है कि अगर आपके पास में मिरर है, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, आपने एक लाइट रेज पर इंसिडेंट की जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इंसिडेंट तो कर दिया, आगे का काम क्या है, नॉर्मल बनाइए। तो नॉर्मल कैसे बनता है बता चुका हूं, ये लीजिए आई आ गया, और अब आई बराबर आर के रूल से ये लाइट क्या करेगी, लौटेगी, तो ये लाइट लौट रही है। इस लौटने वाली लाइट ने प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट किया है उसे कहते हैं फोकस। ये फोकस क्या है, जब मिरर पर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर भी कट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो पहले हम फोकस के बारे में लिख लें, डायग्राम तो बना ही हुआ है, फोकस कैपिटल एफ। तो व्हेन इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो व्हेन इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ओवर मिरर, अब वो चाहे कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनक्यू, फिलहाल मेरा डायग्राम अभी कॉनक्यू के लिए है। तो व्हेन इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन लाइट, हाँ ठीक है, व्हेन इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ओवर द मिरर, देन
आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे विद प्रिंसिपल एक्सिस, पीए का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड फोकस। व्हेन इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ओवर मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे विद प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। कॉनकेव के लिए भी बना के दिखा देते हैं। ये रहा आपके पास कॉनकेव जिसमें अंदर पॉलिस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल मैंने आपको बता रखा है, मिरर को आप कैसे बनाओगे। तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये लीजिए, इंसिडेंट होने के बाद नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल आ गया, ये इंसिडेंट पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला तो नॉर्मल आ गया, ये आपका आई हो गया। अब नॉर्मल के एक तरफ आईएलआर होता है, दूसरी तरफ आरएलआर होता है रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तो ये रहा आपका आरएलआर। अब देखिए यहां पर आरएलआर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, हमें आरएलआर को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या कराना है, कट कराना है। तो आरएलआर रिफ्लेक्टेड लाइट रे आगे तो कट करेगा नहीं, तो पीछे ट्रेस किया मैंने, तो जब इसको पीछे ट्रेस किया तो ये रहा फोकस। यू ऑल कैन सी कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो कैसा है, आर ई ए एल रियल, अपने आप मिला है ना। और कॉन्वेक्स वाले मिरर का फोकस कैसा है, वर्चुअल, ठीक है, आपको जबरदस्ती जो है कट करके उसको लाना पड़ा, अपने आप कट हुआ तो रियल होता है, और अगर आप बैकवर्ड में ट्रेस करके कहीं पे कटिंग पॉइंट लेते हो तो वो क्या हो जाता है, वर्चुअल। गॉट इट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो जरा देखें, फोकस की, फोकस पॉइंट की जो पोल से डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, लिख लिया जाए, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से लिखेंगे, तो ये होता है डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस कैपिटल एफ फ्रॉम पोल, पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है, ठीक। अच्छा, और पी से सी तक का डिस्टेंस क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पी से सी तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉट इट, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो है अपडेट हुआ कि फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पुरानी बात है, तो आप बताइए क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ओरिजिनल रिलेशन क्या है, यानी कि इस हेडिंग का आंसर चाहिए, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर, आर इज इक्वल टू टू एफ, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का दुगना होता है। सही रिलेशन ये है भाई, एफ इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू कॉस आई, ये रिलेशन है।
आर क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, आई क्या है इंसिडेंट एंगल, तो सही रिलेशन तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से क्यों गलत हो गया भाई, ये सही रिलेशन है, डोंट वरी अबाउट इट कि ये आता कैसे है, ये जरूरी नहीं है, क्या है ये जरूरी है। जहां पर ये भी जरूरी होगा कि कैसे आता है तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस रिलेशन में जो टर्म्स आ रहे हैं वो तो क्लियर है ना, कैपिटल आर क्या है, आई क्या है। तो आप लोगों ने क्योंकि तो 12th क्लास है ये तो पढ़ा ही होगा, इफ थीटा टेंस टू जीरो तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, पढ़ा है ना। तो देखिए इधर, इफ आई टेंस टू जीरो, आई टेंस टू जीरो मतलब आई छोटा है, और आई छोटा किसका होता है, पैराएक्सियल का। तो इफ आई टेंस टू जीरो देन कॉस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, आया ना। तो इस सिचुएशन में एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर बाई टू, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, आर बाई टू। तो जो आंसर इन्होंने दिया था वो किसके लिए दिया था, पैराएक्सियल के लिए। ये जो रिलेशन निकला है वो किसके लिए निकला है, फॉर पैराएक्सियल, गॉट इट। तो हमारा क्वेश्चन ये थोड़ी ना था, हमने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं तो जनरल वे में क्वेश्चन पूछ रहा था ना, आंसर विल बी दिस, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पैराएक्सियल आंसर विल बी दिस, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। अच्छा, अगर मार्जिनल की बात करोगे तो रिलेशन फिर यही है, एक्चुअली ये तो जनरल है, ये मार्जिनल के लिए भी काम करेगा और पैराएक्सियल के लिए भी काम करेगा। देख सकते हो जैसे पैराएक्सियल आया तो हमने यहां पर कॉस आई वन रख दिया, तो ये मार्जिनल के लिए भी काम करेगा ना, गो फॉर दिस। कौन सा, ये बात तो क्लियर है ना कि जब हमने ये पॉइंट लिखा कि आई टेंस टू जीरो मतलब आई बहुत छोटा है, और छोटा आई किसके लिए होता है, पैराएक्सियल के लिए। तो ये जो लास्ट का रिजल्ट आया दैट इज फॉर द पैराएक्सियल, पैराएक्सियल के लिए फोकल लेंथ आर बाई टू है। अच्छा, पैराएक्सियल ना हो मार्जिनल के लिए क्या आएगी, सोच के बताओ, फिर बताओ कौन बड़ा आएगा। पैराएक्सियल के लिए फोकल लेंथ आया आर बाई टू, ये इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये एफ और ये पी ये है फोकल लेंथ फॉर पैराएक्सियल लाइट रेज, पैराएक्सियल लाइट रेज। और ये है एफ एम, ये है फोकल लेंथ फॉर ऑफ मार्जिनल लाइट रेज, फॉर इज ए गुड हियर फॉर मार्जिनल लाइट रेज। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, एफ पी और एफ एम इक्वल होते हैं, सेकेंड ऑप्शन में एफ पी एफ एम से ग्रेटर होता है, थर्ड ऑप्शन में एफ पी एम एम एफ एम से छोटा होता है, और डी चलिए नन। तो ये तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, रिजल्ट ही देख रहे हो, सी एफ पी लेस देन एफ एम, सी ऑप्शन कैलकाटा, बी बॉम्बे, बी हम भी बी के साथ हैं। जिनको सी लग रहा है वो बताएं क्या पॉइंट है उनके पास। देखिए एफ पी की वैल्यू है आर बाई टू, और एफ एम की वैल्यू एम फॉर मार्जिनल आर माइनस आर बाई टू कॉस आई, और यहां पर आपने क्या लिखा था, वन लिखा था किसके केस में,
पैराक्सियल में। मार्जिनल के केस में यहां वन तो होगा नहीं, वन से क्या होगा, छोटा होगा। अब नीचे वाली वैल्यू अगर वन से छोटी होगी तो ओवरऑल ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर। बोलो भाई, तो आर से पहले क्या माइनस हो रहा है, आर बाई टू। जब हम बात कर रहे हैं पैराक्सियल की, तो पैराक्सियल के केस में आर माइनस हो रहा है आर बाई टू, लेकिन अब क्या माइनस होगा, आर बाई टू से बड़ा, तो रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, छोटा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं? तो यहां पर कॉस आई है मार्जिनल के केस में, पैराक्सियल में तो यहां पर वन हो गया था। तो यहां पर अगर हम लोग कॉस आई, आई को 60 ले लें, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। तो देखो मार्जिनल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो वो आर बाई टू आ रही है और ये जीरो आ रही है, तो बड़ा कौन है। ऐसे भी किसी एग्जाम्पल को लेकर देख सकते हो, बात समझ पाए कि नहीं। फिर से एक बार देख लो भाई, बी ऑप्शन सही है, जिन्होंने सी बताया है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, और जिन्होंने सी बताया है उनको नीड है कि थोड़ा डिस्कशन किया जाए। पैराक्सियल के केस में फंडा लगाओगे, बेसिक फंडा है आर माइनस आर बाई टू कॉस आई, तो पैराक्सियल में यहां वन हो गया, रिजल्ट आया आर माइनस आर बाई टू, आंसर आया आर बाई टू इन केस ऑफ पैराक्सियल। जब मार्जिनल के लिए फार्मूला अप्लाई करोगे आर माइनस आर बाई टू कॉस आई, अब यहां पे कॉस आई वन तो नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 10 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। आई की वैल्यू 10 डिग्री के इक्वल या उससे कम है, तो फिर कॉस आई क्या स्मॉल में चला जाता है। तो कॉस की कोई वैल्यू ले लो, चलो अगर हम 60 डिग्री ले लें आई की वैल्यू मार्जिनल के लिए, हो सकती है। तो यहां पे आ गया कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो ये कट के रिजल्ट आ जाएगा जीरो। ऐसे बाकी एग्जांपल लेके भी सेट कर लेना, तो आप देखोगे पैराक्सियल के लिए फोकल लेंथ ज्यादा आती है, मार्जिनल के लिए फोकल लेंथ कम आती है। ठीक है, क्लियर? तो इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया ये।